कानून से सच सब बिस्मिल्लाह सही सजना में नकी छर बहुत बहुत शुक्रिया सही चेयरमैन राजस्थान डेमोक्रेटिक पार्टी राणा फराज नून से वेलकम सही मरकजी सदर इनायतुल्ला मशरकी से वेलकम खुश आमदीद सजना में नकी छर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पैगाम दे नाल मैं सीना चाक जालिम दा कलम दी नोक ते कर वैसा मैं सीना चाक जालिम दा कलम दी नोक ते कर वैसा मैं इस मां धरती दी खातिर हर खतरे नाल लड़ वैसा मेरे हालात दे उते मेरे जज्बात हाले पहले जे मैं उजड़ा तो कई गल नहीं जे कौम उजड़ी तो मर वैसा मेरे सराइक स्टूडेंट काउंसिल दे तमाम ऑर्गेनाइजिंग टीम सदर खेड़ा साहब जनरल सेक्रेटरी साहब शाहनवाज जांगला साहब जाम अंसर साहब और खसूसन बाबा साहब की खिदमात मैं समझता कि अगर उन्होंने को एप्रीशिएट ना किया वजे तो ज्यादती हो सी और मैडम नसीम अख्तर साहबा तमाम मैं इन सोजल धरती वासों को धरती दे सुजाग फर्जंदाना सपूता को सलाम पेश करेना और आज दोस्त आदे पे हैं कि कहें सियासी हवाले नाल असां नहीं सदा मैं हमेशा दोना कि मैं कम से कम इस प्लेटफॉर्म से तो बिल्कुल सियासी कोई नहीं और ये धरती दी जिद्दोजहद दा रस्ता मैं समझदा कि असा अपने खानदान दी पार्लीमानी सियासत को तर करके साइड ते करके चुनाई अपने ना वसेबजादा दे हकूक दी जंग लड़न दा फैसला जड़ा सा कीता ही ते उस सियासी मंजर को थोड़ा जिहा साइड ते आके कीता ही बाकी अगर इको कोई सियासत आ जाए ते ओ उंदी मर्जी है लेकिन मैं समझदा कि अपने फंडामेंटल राइट्स दी अपने हकूक दी शनाख्त दी गल करना कोई सियासत नहीं ये तेरे बुनियादी हकूक दी गल है और इंशाल्लाह ये करेंदे रासों और जिवें बीबी आखे के सदा स्लोगन के जेता ही रात अंधारी रासी ए जिदो जे जारी रासी मैं जंग को चलो जिदो जे लफ्ज आ गया बाबा से ताकि तौरे वास्ते भी कोई आसानी थी वजह आज मैं को बड़ी खुशी थी एक दफा बाल कि जिस अजरक को बतौर अपना सकाफती एलिमेंट असा 7 साल पहले मुतारिफ कराया है और पहली तकरीब सारे चंद सौ लोग हैं मुल्तान टी हाउस लेकिन गाल टोर पई है प्रोफेसर साहब को पंद करें ना देखें ये ना समझे मेरी मंजिल को जमाने लग से आज अगर न सिर्फ पूरे वसेब पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक सराय की अजरक डे मनाया जाता पिए तो प्रोफेसर साहब तौले ना वसेब ज्यादा की जीत है इन्हों नौजवानों की जीत है इन्हों वसेब सादिया की जीत है ये हर उस धरती वास की जीत है जड़ा अपने अंदर अपनी मां बोली का अपनी सकाफत का दर्द रखता है और अपने आप को वसेब ज्यादा अखवा के फख्र महसूस कर रहे हैं जय सरायकी जय सरायकी सरायकिस्तान सरायकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना मेरे धरती वासो वसेब दे सोजल सुजाग फरजंदान मैं अज उन्होंने दोस्तों नाल मुखातिब हां जिन्हें इंशाल्लाह
प्रोफेसर साहब ये तमाम जो तुसा कमियां कोताहियां दे सिंदे पे वेंदे बावजूद ये बड़ा फर्टिलाइज कीता है, बड़ा सरफेस कीता है। और पिछले साल तुसा दिता के तहसील तौसा जो 99% लिटरेसी रेट है और उत्तों के मोस्टली पोजीशंस निकलिया। और मैं प्रोफेसर साहब तो आपको दसना चाहता कि सारे 2 साल पहले तू सब सुना उसी बड़ा मीडिया ते आया ही सुजाबाद दा ओ मजदूर बच्चा जेड़ा तनूर ते रोटियां लेंदा है और मजदूरी करेंदा है पूरे मुल्तान बोर्ड टॉप कर गया। ए है सारे वसेब दा फल, ए है सारे वसेब दी मैं समझदा कि उन्हां दे इंटेलिजेंसी रेट कमियां कोताहियां होनी है, लेकिन मैं फखर महसूस करना कि सारा नौजवान सारा धरती वास कह भी प्लेटफॉर्म ते घाट को नहीं। और नाल इस ते भी तुसो सब फखर करो आज जो सरायकी दा सकाफत दे मने दे पयो सरायकी मां बोली नाल धरती नाल मोहब्बत दा इजहार करे दे पयो कि तुसो उस अजीम सरायकी सकाफत दे अलमबरदार हो, सरायकी मां बोली दे अलमबरदार हो, जेको मैं या मशरकी साहब या डॉक्टर जफर हां साहब नहीं आदे पे प्रोफेसर साहब एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दी रिपोर्ट है जंदी मैं कॉपी तक हूं आज भी पेश कर सकता उते वाजे लिखे होंदे थर्ड पैराग्राफ है कि सरायकी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पाकिस्तान, इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मोर देन 120 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, अमंग दोस 80 मिलियन पीपल आर इन सरायकी वसेब, इट्स बिलोंग टू द सिंध सिविलाइजेशन, इट्स वेरी रिच एंड कल्चरल लैंग्वेज। ए कौन आदा पिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ए तोरे आस्ते आता पिए ए तोरी ए असमत बयान करेदा पिए कि तू सब तू वदी सरायकी तहजीब दे जबान दे अलम बरदार। और लेकिन पिछले दफा भी साकू मर्दम शुमारी माइनस कर दिता गया, साकू सानवी हसीयत दे दी गई, असा उन्दे ते एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। हुण भी असा अपनी एक कंपेन लॉन्च की थी कि दोस्त तरजीहन अपने घर को अपने अहले इलाका को अपने बस्तियां चकूक ई गल दी आगाही देवें कि तरजीहन अपने सामने अपने आप को सरायकी लिखवाओ, वरना टेंपरिंग की दी वेंदी इत्थे भी तो मोस्टली जेड़े लोग दिलचस्पी नहीं गिनते वो पंजाबी लिख के उन्होंने डेटा बदल दिता वेंदे उन्हें बदले तौरे जेड़े हकूक हैं वह सब कर ले वेंदे तो मिनोरिटी शो किया वेंदे। असा अपना 6 करोड़ का खिता 7 करोड़ होना आबादी थी गई है, असा अपना सूबा उन्हें 7 करोड़ आवाम वास्ते क्लेम करें जेड़े ले तो मिनोरिटी शो कर रहे हैं उन क्लेम को भी डैमेज थी दे। लिहाजा तमाम दोस्त इस पर फोकस करे सन, कम अज कम मेरे को मरदम शुमारी का अमला आया, मैं बकायदा ऑन कैमरा उन्होंने को सारा रिकॉर्ड लिते कि मैं सरायकिया मेरे तमाम इतों के कुंबे के लोग सब जेड़े इतने मुलाजम रहने सब सरायकी है सारा को सरायकी लिखवाए और उनकी वीडियो बनाई तो तुसा भी अगर मरदम शुमारी का अमला तौरे को लावे तो कोई ना कोई उनका रिकॉर्ड रखो ताकि कल को टेंपरिंग ना की बन सके। इंशाल्लाह अगर तुसा इधर से फोकस कर लिया तो यकीनन सरायकी सब तू वदी को जबान डिक्लेयर थी वैसी इसे मरदम शुमारी के बाद। और ये तुहाडी फतह होसी इंदे नाल मैं आखिर थोड़े उन्होंने दोस्तों को जेड़े थोड़े जे बल्कि कुछ थोड़े जे को भी ज्यादा अपने हकूक तू अपने जड़ा धरती का सब तो वाला तो रकाज है उस तो थोड़े जे बाखबर हैं या थोड़े जे गफलत च नहीं बन के बहुत सारी सारी जड़े कल भी आर्ट काउंसिल एक्टिविटीज आई ते मैं समझता भी आम कि कम अज कम सरायकी डिपार्टमेंट तो 100-200 नौजवान नुमाइंदगी करे सी, लेकिन असा इनविटेशन भी भेजा लेकिन अफसोस थोड़ा जहा थी कि दोस्त नहीं आए। लेकिन सरायकी काउंसिल तो माजरत पेश की थी कि सर एक ग्राउंड का इशू आई ऐसा अरेंजमेंट ही जैसे, लेकिन सरायकी डिपार्टमेंट मेरा ख्याल 100-200 नौजवान है जो अगर पंजाब भी आ पाए तो असा कम अज कम सारी फेस सेविंग थी वन। लिहाजा मैं ये अपना एक मोहब्बत वाला खलूस वाला गिला भी पेश करें था पिया कि उस वक्त तक असा अपनी मंजिल अपने हकूक की बाजियाबी नहीं गिन सकते जब तक असा अपनी ये एक्टिविटीज अपनी जुड़त अपनी मैन पावर शो ना करे सू। और उनका सब तो वाला सोर्स जरिया सारे नौजवान हैं सारे यूथ है असा तुरी जंग लड़ते पे। अगर सुबह पढ़ने तो बाद 3-4 लाख जॉब्स अवेल थी सन वो बाबा साहब के घर या मेरे घर तक मशरकी साहब के घर नहीं आवनिया
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸੇਬ ਜ਼ਾਦਾ ਕੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬਸ ਆ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਜ਼ਾਦੇ ਡੀਸੀਓ ਹਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਸਨ ਇਤੂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਸਨ ਔਰ ਇਤੂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸੀ ਤੁਸਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਸਨ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਹਿਜੇ ਤੇ ਅਫਕਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਹਿਜੇ ਤੇ ਅਫਕਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸਨ ਆਖਣਾ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜੇ ਖੁਦਾਵੇਂ ਆਖੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਖੁਦਾਵੇਂ ਆਖੇ ਹੋਣੀ ਬਾਗੀ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਸਾ ਕੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾ ਪਰ ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਸਾ ਕੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰੌਨ ਕੋ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰੌਨ ਕੋ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾਰਾਏ ਸਰੇ ਕੀ ਨਾਰਾ ਨਾਰਾ ਸਰੇ ਕੀ ਜੀ 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 ਸਰੇ ਕਿਸਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।